कोटि का सन्यासी प्रारंभ में सिद्धा समझाने से प्रारंभ में एक सन्यासी से मुझे स्वर्ण विद्या सीखनी थी और वो सन्यासी इस क्षेत्र में अद्वितीय था और उस आश्रम में कम से कम 100 शिष्य थे उनके और वो ठोक बजा करके उसके बाद उस विद्या को सिखाता था। ये नहीं कुछ सिखाता नहीं था मगर उसकी कसौटी थोड़ी कड़ी और शायद ज्यादा कड़ी थी और उस समय उन 100 शिष्यों में मैं अगर घमंड या गर्व नहीं करूं तो उनसे कई गुना ज्यादा सिद्ध था, उनसे कई गुना ज्यादा मंत्र और तंत्र दोनों ही क्षेत्रों में जानकार था। एक प्रकार से मैं काफी ऊंचाई पर था मगर वहां मैं शिष्य रूप में था और 99 शिष्यों में भी और जो 125 शिष्यों में भी मैं उनसे शायद 50 सीढ़ियां ऊपर पर था। मैं फिर भी जब मैं उनके उन गुरु के चरणों में जो सन्यासी थे मेरे लिए तो गुरु ही थे सन्यासी थे क्योंकि मुझे उनसे सीखना था और जब मैं उनके सामने उपस्थित हुआ 2-4 दिन रहा उन्होंने भी मुझे देखने की कोशिश की, मैंने उस आश्रम को पहचानने की कोशिश की और एक दिन मैंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दिया कि समय कितना लगेगा यह मेरे परिश्रम पर निर्भर है या मेरी जिज्ञासा भक्ति पर निर्भर है, इसलिए मैं आपसे समय की तो प्रार्थना कर भी नहीं सकता कि मैं महीने भर में ये चीज सीख लूं आपसे, मगर मैं आपसे स्वर्ण विद्या सीखने का अभिलाषी हूं और मैं रसायन से स्वर्ण विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे तांबे से स्वर्ण बनाने की क्रिया चाहे पारे से स्वर्ण बनाने की क्रिया। आप इसके सिद्धतम आचार्य हैं, आपके बारे में मैंने सुना है और मुझे विश्वास है और यदि आप मुझे ये आश्वासन दे सकें कि आप मुझे सिखा देंगे तो मैं आपके आश्रम में रहने की इच्छा करता हूं। इससे पहले वो मेरा नाम सुन चुके थे, इससे पहले वो ये जान चुके थे कि मेरे 1,200 शिष्य हैं, उनके यहां तो 125 शिष्य ही थे। उससे पहले जान चुके थे कि तंत्र मंत्र में काफी ऊंचाई पर है और यह भी जान चुके थे कि कई ऐसी तांत्रिक विद्याएं इसके पास है जो मेरे पास नहीं है, यह भी वो जानते थे। उनके पास एक स्वर्ण विद्या रसायन विद्या एक अलग थी, यह कोई जरूर नहीं रसायन विद्या में श्रेष्ठ गुरु तंत्र विद्या में भी श्रेष्ठ हो, यह कोई जरूर नहीं है कि कार चलाने वाला बहुत अच्छा मैकेनिक भी हो, मगर वो स्वर्ण विद्या के अधिकतम आचार्य थे, इसलिए मैंने उनसे निवेदन साफ साफ कहा और वो मेरी क्षमता जानते थे, ये मेरी सिद्धियों को जानते थे, मेरी पौरुष को जानते थे, मेरी प्रतिभा को जानते थे और मेरी जहां तक जितनी ऊंचाई थी उसको भी समझते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने दोनों ही बातें स्पष्ट कर दी है कि समय की कोई अवधि में बांध नहीं सकता, इसलिए मैं समय की अवधि नहीं बांधूंगा कि तुम्हें महीने भर में सिखा दूंगा या 4 महीने में सिखा दूंगा, हो सकता है तुम 15 दिन में सीख लो, हो सकता है 6 महीने में सीख लो, हो सकता है जिंदगी भर नहीं सीखो, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना ग्रास्पिंग कर सकते हो, तुम मेरे जीवन में कितने उतर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मैं इस मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, एक बात कही और दूसरी बात कही कि ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वर्ण विद्या में सिद्ध आचार्य हूं और तुम्हें सिखाने का प्रयत्न करूंगा, सिद्ध सिखा दूंगा ऐसा भी नहीं बोला, झूठ छल किया नहीं, मेरे लिए इतना बहुत था। मैं शाम को 4 बजे वापस उनके पास पहुंचा, उनका कि बार बार मुझे मिलने की जरूरत नहीं क्योंकि और भी कई काम भी मेरे, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, उन्होंने आप सब प्रयोग नहीं किया, ठीक इसी टोन में बोले और तुम्हें यहां जो खाना बनता है उसमें भट्टी में लकड़ियां चौंकनी है वो काम करना है, जिसे भट्टी बराबर खाना जब बने तो लकड़ियां बांटना है, तुम्हें फिलहाल ये काम सौंपना है, तुम्हें वही काम करना है और मुझे बार बार मत मिलना, जब इच्छा होगी तो मैं बुला लूंगा।
न्यूट्रल करवा दूंगा। मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम या संशय या संदेह या तनाव नहीं आया। काम में बहुत सिद्ध आचार्य तंत्र का उनके बराबरी के टक्कर का था करीब करीब। स्वर्ण विद्या में तो वो मुझसे 100 कदम आगे होंगे और तंत्र के क्षेत्र में मैं उनको सिखा सकता था, मंत्र के क्षेत्र में 5 साल तक मैं उनको पढ़ा सकता था। वो मुझे ये भी कह सकते थे कि तुम ये ऑफिस का काम है या दूसरा काम है या तुम्हारी प्रतिभा का दूसरा उपयोग हो सकता है या तुम मेरे शिष्यों को कुछ, ये कुछ नहीं, क्योंकि 125 लोगों का खाना सुबह बनता था, 125 लोगों का खाना शाम को बनता था। ये भी नहीं तुम रोटी बनाओगे, ये भी नहीं रोटी सेकोगे, उसमें बराबर लकड़ियां डालते रहोगे, मतलब जैसे आज मुझे नहीं। और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं 4 महीने तक वो काम करता रहा, न मेरे मन में कभी भ्रम आया, न 4 महीने उन्होंने मुझे बुलाया, न मैं गया। जब उन्होंने कह दिया मैं अपना बुला दूंगा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तो फिर मेरा कर्तव्य नहीं था, मगर एक क्षण भी मेरे कार्य में शिथिलता नहीं आई। मैं उनके बाद जिंदगी में उठा नहीं, वे उठते उससे पहले मैं उठा हुआ रहता, वे सोते उसके बाद मैं सोता। और ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि अगर मुझे बुखार भी आया हो तो मैंने उस कार्य में शिथिलता बरती हो, और निश्चय ही उनकी दृष्टि मेरे पर नहीं होगी, उनको दोहराया नहीं। करीब 4 महीने के बाद में वे मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उनका मैंने कहा कि लगने या नहीं लगने की बात नहीं है, मुझे आपका काम सौंपा है और सोच समझ के सौंपा होगा, मैं उस दायित्व को कर रहा हूं, इसलिए न उसमें हर्ष है न विषाद है। मैं एक शिष्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं, अधिकार मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि शिष्य के पास अधिकार होता नहीं। न मैं आपसे बहस कर सकता हूं, आपने कहा मेरे सामने आना मत, मैं आपके सामने आया नहीं, आपने बुलाया मैं उपस्थित हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। मैंने कहा मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक अन्नपूर्णा के स्वरूप में इतने शिष्यों के भोजन के लिए सहायक, शायद मेरे पाप को, मेरे पापों को धुलने की यह क्रिया, शायद मेरे जीवन की कुछ दोषों का परिमार्जन हो रहा हो, शायद क्या हो रहा हो आप ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने 2 दिन में मुझे विद्या सिखा करके रवाना कर, 4 महीने 2 महीने में अंदाज लगा कर 1.5 साल मुझे झूंझना पड़ेगा। मैं ऐसा मन में सोच के बैठा था कि पूरे 1.5 साल झूंझना ही पड़ेगा, नानदर उससे पहले सोचना ही नहीं है तुम्हें कुछ, और 4-6 महीनों में बात करने का क्षण आ जाए तो बहुत है, और 1.5 साल तो मैं इस भट्टी में लकड़ियां झोंकनी ही है, ऐसा विचार तो कभी कभी आता ही, मनुष्य शरीर था। पर ऐसा नहीं कि ये गुरु गलत है या मुझे कहां फंसा दिया है या मैं कहां गलत, ऐसा कुछ चिंतन नहीं आया। चिंतन केवल गुरु में था, मैं उनके चित्र के सामने जब दोपहर को कुछ नहीं होता बैठा रहता, जो भी झाड़ू निकालने का काम होता मैं झाड़ू निकालता, सफाई करता, बाथरूम धोता, ये मैं करता जो मुझे काम सौंपे नहीं थे, मगर जो मुझे दिखाई देता कि ये काम यहाँ अटपटा है तो मैं करने लग जाता। न साधना, न मंत्र जाप, न दूसरा कुछ काम, जो जो उसके लिए नियम होते हैं 16 माला एक गुरु मंत्र जाप की वह मैं करता। इसके अलावा जो मैं सिद्धियां थी न मैं उनको रिपीट करता, न मैं अहम करता, न प्रकाशित करता, न शिष्यों के सामने अपने अहम भाव प्रकाशित करता, था भी नहीं अहम, मुझे तो शिष्य के रूप में खड़ा होना था, मैं खड़ा रहा, इसलिए कि मैं भी शिष्य रहा हूं, कोई जन्म से गुरु नहीं बना। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।